Dear students, we know z is equal to root r square plus xl difference xc whole square. If xl is equal to xc, z is equal to r. Purely, अगर बेटा एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो जेड की वैल्यू क्या बच जाएगी बेटा, आर के बराबर बच जाएगी, एंड दैट इज प्योर रेजिस्टेंस. देयरफॉर करंट इन सर्किट आई इज इक्वल टू ई अपॉन जेड इज इक्वल टू ई अपॉन आर. द करंट इन सर्किट स्टूडेंट्स विल बी मैक्सिमम. पे अटेंशन, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, ये टर्म क्या हो गया बेटा, जीरो. ये टर्म जीरो हो गया तो इंपीडेंस कितना बच गया बेटा, मिनिमम. और इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगी बेटा, मैक्सिमम. इन एन एसी सर्किट if inductive reactance becomes equal to beta, pay attention, capacitive reactance, then impedance in circuit is minimum and current becomes maximum. It is called resonance of. तो बेटा रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट का मतलब हुआ इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सो दैट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, करंट इज मैक्सिमम. एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू व्हाट बेटा, एक्सी. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी वन अपॉन ओमेगा सी. देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वन अपॉन एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी. डियर स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बेटा ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी. अगर कोई आपसे ये कहे बेटा कि कैलकुलेट रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट्स मीनिंग इज दैट ओमेगा आर इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी. बट ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टू पाई न्यू आर. न्यू आर इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. देयरफॉर टू पाई न्यू आर is equal to 1 upon root LC, or nu R is equal to 1 upon 2 pi root LC. So remember these formulae. That is called resonance frequency and that is called resonance angular frequency. Its unit jahan bhi aayegi wo aayegi radian per second, aur iski unit aayegi beta per second. I think should be clear beta. Any doubt to any child?